नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर दलालों की चांदी कट रही है। दूर दराज से आई सैकड़ों महिलाएं लाइन में लगी रह जाती है और दलाल रुपए देकर अपने काम को आसानी से निपटा लेते हैं। कई महिलाएं सुबह 6 बजे ही प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आरटीपीएस काउंटर पर कतार में खड़ी होती जा रही है ताकि उन्हें भीड़ का सामना नहीं करना पड़े और आसानी हो। सुबह 6-7 बजे आने के बावजूद महिलाओं एवं पुरुषों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई हिदायतों के बावजूद दलालों की कमी नहीं है। डाटा ऑपरेटर देवराज कुमार अपने सहयोगी अनमोल कुमार सरदार को बगल में बैठाकर सरेआम रुपए वसूले जा रहे हैं। दलालों की ये हरकत लंबे समय से चलती आ रही है। कई बार साक्ष्य सामने आने के बावजूद स्थानीय पदाधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे। हैरानी की बात है कि प्रखंड कार्यालय में आधा दर्जन से अधिक दलाल घूम रहे हैं जो कि लाभुकों को बहला फुसलाकर चाय की दुकान पर बुलाते हैं, जहाँ 200 से 500 रुपये में कन्यादान, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, ऑनलाइन जैसे अन्य प्रमाण पत्र बनवाने का झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठते हैं। जबकि पिछले महीने वहीं देवराज कुमार डाटा ऑपरेटर अवैध उगाही करने को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस काउंटर का रक्षक ही भक्षक बन जाए उससे लोग उम्मीद ही क्या लगाएंगे। दलाल इस तरह से पनप रहे हैं कि धड़ल्ले से कहते हैं 200 रुपये दो, रुपये तो जल्दी बन पाएगा। अगर भूलवश कोई बिना चढ़ावे के अपने काम के लिए लाइन में लगते हैं तो उन्हें डाटा ऑपरेटर देवराज कुमार के द्वारा वेबसाइट काम नहीं करने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। फिर विवश होकर लोग थक हार कर चढ़ावा देकर अपना काम कराते हैं। अजीब बात यह है कि कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट अगल बगल के दुकानदार भी यूज़ करते हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रखंड कार्यालय में काम करने वाले कर्मी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस पर लगाम लगाने में भी स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से विफल। इस बात का खुलासा लतोना निवासी शिव यादव ने किया है। उन्होंने बताया कि बिना चढ़ावा दिए कोई काम त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय में नहीं होता। इस बाबत त्रिवेणीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी आशा कुमारी से फोन से संपर्क कर पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 बार फोन लगने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी फोन रिसीव नहीं कर रहे। अब देखना है कि प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं।